दुष्यंत की लाइनें हैं कि गूंगे निकल पड़े हैं जुबां की तलाश में। सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखी, अब सरकार के खिलाफ थोड़ी थोड़ी साजिश हो रही थी, बगावत हो रही थी, लेकिन सरकार ने यानी मंत्री ने बड़ी चतुराई से उसी बगावत का ऐसा जवाब दिया कि जो बगावत कर रहा था उसी के पैर उसी ने फंसा दिए। तो कुल लिहाज से यह खबर है सुर्खी विधानसभा की, और बात हो रही है उस नेता की जो अभी हाल में ही पार्टी छोड़कर ओबीसी महासभा को उन्हें ज्वाइन किया है। नाम है राजकुमार सिंह धनोरा। उनके किसान मोर्चा जो जिलाध्यक्ष थे उनके पद पर दामी समाज के एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है, और साथ ही एक दूसरी बात का भी जवाब दिया है जो आरोप लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिल रहा। तो गोविंद सिंह मंत्री हैं जो, उन्होंने एक पुराने कार्यकर्ता को किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना के तमाम चीजों के जवाब दे दिए। देखिए इस खास रिपोर्ट। जब देश में कांग्रेस का इंकलाब होता था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास न सीटें थी, न ही ताकत थी, न ही रुतबा था, लेकिन अब वो सरकार में है। लिहाजा जब भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलने लगे, ताकत मिलने लगे, तो पुरानी और सच्ची भारतीय जनता पार्टी खुश हो जाती है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुर्खी विधानसभा की, जहाँ मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ऐसी चतुराई दिखाई कि भगवान कसम विरोधियों की तो बोलती बंद हो गई। सर्व सुविधा युक्त अनुभवी ट्रेनरों के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम हमारा पता है, मलैया मैरिज गार्डन, राजघाट रोड, तिलीवाट, सागर, मध्य प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी के पुराने और भाजपा के बेहद पुराने घराने के एक शख्स जिन्हें धीरज सिंह ओरिया कहा जाता है, उन्हें किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाकर उस बात का और उस विरोध का तगड़ा जवाब मंत्री ने दिया है। जहां भाजपा से निष्कासित राजकुमार सिंह ठाकुर यह आरोप लगा रहे थे कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, उन्हें तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, किया जा रहा है। भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, वैसा तुर्की क्षेत्र में पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मूल भाजपा कार्यकर्ता हक मतलब उस प्रताड़ित है, उसका मान सम्मान नहीं रखा जा रहा है, और भारतीय पुराना कार्यकर्ता को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसको मान सम्मान चाहिए, उसको कोई ना धन ना दौलत। लेकिन मंत्री ने उसी ठाकुर डांगी समाज से अध्यक्ष बनाया और पुराने कार्यकर्ता को पद देकर सारे आरोपों की हवा निकाल दी। इसी किसान मोर्चा के पद पर राजकुमार सिंह धनोरा थे, जहां धीरज सिंह ओरिया को, जो डांगी समाज से आते हैं, पुराने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन्हें मंत्री ने अध्यक्ष बनवाया है। जो लोग कह रहे हैं कि पुराने कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिला, तो मैं मानता हूँ सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में सभी जानते हैं हमारे पिताजी से कोई पुराना कार्यकर्ता नहीं था, और हमें खुद 35 साल भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए हो गए हैं। पुराने कार्यकर्ताओं को काम देना हमारे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के मंत्री जी का, मैं तो मानता हूँ, प्राथमिकता से काम है, और पुराने कार्यकर्ताओं को काम भी दे रहा है, उनका स्नेह भी रखते हैं और कार्यकर्ताओं को मानते हैं। कुछ कार्यकर्ता होते हैं जिनको हो सकता है मानसिकता उतनी अच्छी ना हो, जो कहीं ना कहीं अफवाह फैलाती, पूरी अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। पुराने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता पे लिया जाता है। सम्मानीय व्यक्ति रहे हैं जैसी नगर में, ये जो बातचीत चल रही है कि भाजपा के जो नेता हैं जो कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा, उनको पद नहीं मिल रहा, उनकी तोहीन हो रही, इसमें कितनी सच्चाई? ये सरासर गलत है। हमारे क्षेत्र के जो 25 साल से सुर्खी विधानसभा की सेवा कर रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मानी गोविंद सिंह जब से आए हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को जितना सम्मान मिल रहा है, इतना 30 साल में कभी नहीं मिला है। ये जो कार्यकर्ता ऐसी बात कर रहे हैं, उनके व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध नहीं हुए होंगे इस कारण वो बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम सब लोग पुराने कार्यकर्ता हैं, पूरा सम्मान मिलता है गोविंद सिंह जी के द्वारा, पूरी हमारों की इज्जत होती है, और पूरा काम मिल रहा है, और कोई भी काम बताते हैं, चाहे फ़ोन पे 12 बजे रात में भी बता दें
तो सम्माननीय गोविंद सिंह जी, हीरा सिंह जी हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को महत्व देकर पूरे काम करते हैं। ये जो अफवाह फैला रहे हैं उनकी व्यक्तिगत बात है, उनके स्वार्थ सिद्ध नहीं होंगे। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ कि ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं मिल रहा है। पूरा महत्व मिल रहा है। आज पूरी टीम, हम गोविंद सिंह जी का आभार करते हैं, उनके कारण आज हमारे सुरखी विधानसभा क्षेत्र के जयसी नगर मंडल के सबसे पुराने कार्यकर्ता को, जो ने किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष का दायित्व दिलाया है, इसमें पूरा हाथ सम्माननीय गोविंद सिंह जी का है। उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और उनका हम सम्मान करते हैं। धीरज सिंह मौर्या के पिता प्रहलाद सिंह मौर्या जी उस वक्त भाजपा का जिंदाबाद करते थे जब सुर्खी में एक दर्जन भी भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे। उन लोगों ने संघर्ष किया और आज भाजपा के हजारों कार्यकर्ता हैं। ऐसे प्रहलाद सिंह मौर्या जी के बेटे धीरज सिंह मौर्या को पद देकर पार्टी ने अपना ही मान बढ़ाया है। बड़ी चतुराई से मंत्री ने ऐसा चेहरा, ऐसी समाज और ऐसा घराना देखा कि उन पर लग रहे सारे आरोप निराधार हो गए। धीरज सिंह मौर्या और पुराने भाजपा नेता हरनाम सिंह सागोनी पुरैना ने खुलकर कहा है कि मंत्री ने पुराने कार्यकर्ताओं को न सिर्फ सम्मान दिया है बल्कि उनका भरपूर सम्मान भी हो रहा है। उन्होंने बिना नाम लिए शायद राजकुमार सिंह धनोरा पर गंभीर आरोप लगा दिए। बहरहाल सियासत का यही असूल है, जिस ताकत पर आप गुरूर और धारते रहे हो उन्हीं बातों को लेके अगर हम हथियार बना लें तो सारा विरोध खुद पे खुद खत्म हो जाता है। आज सुर्खी की सियासत में शायद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने धीरज सिंह मौर्या को किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाकर तगड़ा झटका और विरोध का तगड़ा जवाब दिया है। कुलदीप चौरसिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज, जयसी नगर।